नई सरकार के कमान संभालने से पहले दहला बिहार, तीन तीन हत्याओं से लोगों में भरी दहशत। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने अगवा होटल कर्मचारी की हत्या की, वैशाली में मिला शव, लोगों ने किया उग्र प्रदर्शन, जाम की सड़क। बदमाशों ने अपहरण के बाद होटल कर्मचारी की पत्नी को फोन पर हत्या की जानकारी दी, तीन दिन पहले किया था अगवा। पटना में पूर्व मुखिया की हत्या, दुलिन बाजार इलाके में अपराधियों ने मारी गोली। बिहार के सिवान में भी एक शख्स की अज्ञात अपराधियों ने की हत्या, मारी गोली। बिहार चुनाव पर इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल का अनुमान, महागठबंधन को मिल सकती है 139 से 161 सीटें। एनडीए के हाथ से खिसक सकती है सत्ता, 69 से 91 सीटें मिलने का अनुमान। चिराग पासवान की एलजेपी को 3 से 5 सीटों पर मिल सकती है जीत। ओवैसी पप्पू यादव और बीएसपी का गठजोड़ 6 से 10 सीटों पर ही सिमट सकता है। एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक आरजेडी 94 से 106 सीटें बटोर कर बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी। महागठबंधन के दूसरे दल कांग्रेस के खाते में आ सकती है 29 से 35 सीटें। सीपीआईएमएल को 12 से 16 और सीपीआई सीपीएम को 2-2 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक जेडीयू समझ सकती है 26 से 34 सीटों पर। बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान, 38 से 50 सीटों पर कब्जा कर सकती है बीजेपी। एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक महागठबंधन को मिल सकती है 44% वोट। आज है दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन, 93 साल के हुए आडवाणी, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, पैर छू कर लिया आशीर्वाद। जन्मदिन पर आडवाणी के घर पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, आडवाणी ने प्रधानमंत्री मोदी और बेटी संग काटा केक। पीएम मोदी ने आडवाणी को और आडवाणी ने प्रधानमंत्री मोदी को खिलाया केक, बाद में देर तक हुई दोनों के बीच गुफ्तगू। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में रोरोपैक्स फेरी सर्विस का उद्घाटन किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। सूरत से सौराष्ट्र के बीच फेरी सर्विस का मिला तोहफा, तिरंगे रंग की रोशनी में नहाया दिखा फेरी का पहला जहाज। अमेरिका में डेमोक्रेट जो बाइडेन ने जीती राष्ट्रपति पद की रेस, ट्रंप को बड़े अंतर से हराया। जो बाइडेन को मिले 290 इलेक्टोरल वोट जबकि ट्रंप के हिस्से में आए 214। जीत के बाद बोले बाइडेन, देश ने किया मुझ पर भरोसा, खरा उतरने की करूंगा कोशिश। बाइडेन ने कहा, सबको साथ लेकर चलूंगा, जिसने वोट दिया हो या ना भी दिया हो। भारतीय मूल की कमला हैरिस होंगी उपराष्ट्रपति। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा कोरोना केस। देश में 24 घंटे में कोरोना से 559 लोगों की गई जान। देश में अब तक कोरोना से 1,26,000 से ज्यादा मौत। कोरोना से अब तक 78,68,000 से ज्यादा लोगों ने जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में अभी है कोरोना के 5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक इनामी बदमाश धरा गया, एक फरार। जोधपुर में धरा गया एक मुन्ना भाई, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में दूसरे की जगह दे रहा था एग्जाम। झांसी में चड़खाने से तंग आकर छात्रा ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में आकाश नाम के लड़के पर आरोप लगाया। यूपी के हमीरपुर में जहरीली शराब पीने से 5 की मौत, पुलिस ने मौत के आंकड़े को बताया गलत। मध्य प्रदेश के पन्ना में 2 गुटों में दंगल, धान काटने को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज टिहरी झील पर बने झूला पुल का करेंगे उद्घाटन, ये देश का सबसे बड़ा झूला होगा। दरभंगा में लंबे इंतजार के बाद आज से शुरू होगी हवाई सेवा, दरभंगा से 3 बड़े शहर दिल्ली मुंबई और बेंगलुरु के लिए रोज होगी उड़ान। असम के डिब्रूगढ़ में पुलिस ने जानवरों के अंगों की तस्करी करने वाले को दबोचा, एक महिला समेत 4 तस्कर गिरफ्तार। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण को लेकर प्रदर्शन जारी, गुर्जर नेताओं ने दूसरी जातियों का भी मांगा सहयोग। लोकल के लिए वोकल हो रहा है इंडिया, दीपावली में इस बार चाइनीज सामान की बिक्री घटी, जमशेदपुर में मिट्टी के सजावटी सामानों की बढ़ी मांग, कुम्हारों के खिले चेहरे। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने कई जेसीबी मशीनों से ढाया अवैध निर्माण। मुजफ्फरनगर हाईवे पर चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान।
लखनऊ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, दो गिरफ्तार, दो फरार, फायरिंग में एक बदमाश को पैर में लगी गोली। मध्य प्रदेश के श्योपुर में किराना कारोबारी से लूट, चाकू से हमला कर कारोबारी को किया घायल, तीन अज्ञात बदमाशों की तलाश। कानपुर में सीएमओ ने तीन अस्पतालों का किया सील, मानक पर नहीं उतरे खरे। आईपीएल में आज हैदराबाद की दिल्ली से टक्कर, जो जीतेगा वही खेलेगा फाइनल, जीतने वाली टीम का फाइनल में मुंबई इंडियंस से होगा मुकाबला। पिछले चारों मुकाबलों में जीत के साथ हैदराबाद के हौसले बुलंद, पिछले छह में से पांच हार से परेशान दिल्ली की टीम, गेंदबाजी में और धार की दरकार। हैदराबाद की टीम के कप्तान डेविड वॉर्नर पर होगा दारोमदार, फाइनल का टिकट पाने के लिए दिल्ली भी लगाएगी जोर।